बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद क्यू एन ए। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ एक बेहतरीन से मज़ेदार अंडे पराठे की रेसिपी, जिसके लिए ना तो आपको आटा गूंदने की ज़रूरत है और ना ही रोटी बनाने की। और उसी अंडे पराठे की मदद से आप बिल्कुल बाजार जैसा रोल भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में 1 कप पानी ले लेंगे। उसमें आधा टीस्पून हम नमक डालेंगे, 1 टेबलस्पून ऑयल या बटर, जो भी आप पसंद करते हो आप वो डाल दीजिए। इसके अलावा मैंने यहाँ पर मेजर करके आधा कप फ्लार या मैदा लिया है, ये डाल देंगे। आधा कप मैदे से हम 2 अंडे पराठे जो हैं उसके पराठे तैयार करेंगे। अब इसी तरह से जैसे जैसे आपको ज़्यादा तादाद में बनाना हो, आप इसकी क्वांटिटी डबल ट्रिपल करते जाइएगा। मैंने इसको मिक्स करके बिल्कुल स्मूथ सा मिक्सचर बना लिया है। आप देखें ये कितना लिक्विडी है, पतला है। इसको आप इतना ही पतला रखिएगा तो जो आपके पराठे हैं वो अच्छे बनेंगे। दूसरे बोल में मैं 2 अदद अंडे ले लूँगी, क्योंकि मैं 2 अंडे पराठे बना रही हूँ। तो 2 अंडों में मैं आधा टीस्पून नमक डालूँगी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी, थोड़ी सी प्याज को मैंने चॉप करके रख लिया है, 3 से 4 टेबलस्पून मैं ये प्याज डालूंगी, जो अंडे के लिए ऑमलेट के लिए प्याज काटते हैं। इसके अलावा 3 टेबलस्पून मैंने हरा धनिया लिया है फ्रेश, इसको भी मैं मिक्स करके और ऑमलेट का बैटर तैयार कर लूँगी। ये देखिए तैयार हो गया। अब एक पैन में मैं ऑयल डालकर पैन को ग्रीस कर लूँगी। हमें फ्राई नहीं करना है, हमें सिर्फ ग्रीस करना है ताकि मैदा जो है वो चिपके नहीं। अब जो जिस मेजर मेजरिंग कप की मदद से मैंने मैदा लिया था, उसी मेजरिंग कप के मदद से मैंने एक भर के हाफ कप बैटर लिया है जो मैंने बनाया था पराठों का, और उसको मैंने इस तरह पैन में डाल के फैला दिया। 4 से 5 मिनट में आप देखें ये सिक जाएगा और इस तरह की रोटी जो है वो तैयार हो जाएगी। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल आम रोटी की तरह फूल रही है। इस तरह से रोटी बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही जो है वो मुफीद है। जो बैचलर्स हैं वो बड़े आराम से इस तरह घर में रोटी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कभी पिकनिक वगैरह पे जाएं तो आप अगर स्टोव साथ ले जाएं तो बड़े आराम से इस तरह घर की रोटी घर वालों को बनाकर दे सकते हैं। अब दूसरे पैन में मैंने ऑयल डाला है और जो ऑमलेट का बैटर मैंने रेडी करके रखा था उसको हम यहाँ पर स्प्रेड कर देंगे, और उसको आप उतना ही स्प्रेड करेंगे जितनी बड़ी आपने रोटी तैयार की है। ये देखें मैंने इसको फैला लिया है, और बिल्कुल ही लो फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। और अब आप देख रहे हैं कि जब ये कच्चा था थोड़ा सा बैटर, उसी वक्त ही जो मैंने रोटी तैयार की थी वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी, और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे हम एक तरफ से कुक कर लेंगे। जब ये कुक हो जाएगी तो इसको बहुत आराम से पलट देंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से सिक जाए। आप चाहें तो इस स्टेज पे थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर लें ताकि ये पराठा जो है वो अच्छी तरह ऑयल में सोख होकर सिक जाए। ये देखें कितने अच्छे से गोल्डन मार्क्स आ गए हैं और पराठा भी बिल्कुल ऑयल में अच्छी तरह सिक चुका है। अब ये सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आप नाश्ते के लिए बना रहे हैं तो ये बेहतरीन रेसिपी है। झटपट मिनटों में आपका नाश्ता सुबह के टाइम जब जल्दी होती है तो तैयार हो सकता है। आप इसी तरह बनाएं और बच्चों को सर्व कर दें। ये देखें ये सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसको इस तरह भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रोल के फॉर्म में भी इसको सर्व करना बताऊँगी। एक बोल में मैंने 1 दरमियानी प्याज ले ली है और इसको सलाद की तरह बारीक काट लिया है, 1 टमाटर ले लिया है और 1 चम्मच हरा धनिया। अब इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून लेमन जूस डाल दूंगी और ये हमारी सैलड तैयार हो जाएगी। 1 पिंच सॉल्ट भी डाल दिया है मैंने, आप भी चाहें तो डाल दीजिएगा, अच्छा लगता है खाने में। अब इसको हम मिक्स करके साइड पे रख लेंगे और हमारी सैलड जो है वो तैयार है। अब जो अंडा और पराठा हमने तैयार करके रखा था उसमें से 1 पीस लिया है हमने, और मुझे और मेरे बच्चों को मेयोनीज़ पसंद है तो मैं यहाँ पर मेयोनीज़ 1 टेबलस्पून भर के वो लगा दिया है। आप चाहें तो इसमें चिकन स्प्रेड या चीज़ स्प्रेड भी ले सकते हैं। उसके बाद सेंटर में मैंने ये सैलड रखी है और उसके ऊपर मैं केचप स्प्रिंकल करूँगी। इसमें बारबेक्यू सॉस भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। और 1 टूथपिक चाहिए होगा मुझे इसको स्टेबल करने के लिए। बस मैं इसी तरह इसको फोल्ड कर दूँगी और 1 टूथपिक की मदद से इसको कंबाइन कर दूंगी ताकि ये खुले नहीं। ये देखिए आपका अंडा पराठा बिल्कुल बाजार जैसा अंडा पराठा रोल सर्व होने के लिए तैयार है।
इसको आप बच्चों के टिफ़िन में, शाम की चाय के साथ या रिफ्रेशमेंट में, दोनों तरीक़े से सर्व कर सकते हैं। ये एक बहुत आसान रेसिपी है जो आप किसी भी वक्त बना सकते हैं और बहुत मज़ेदार लगती है। मेरी रिकमेंडेशन पे इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, अपने घर वालों को ज़रूर खिलाइएगा और बहुत सारी तारीफ़ वसूल कीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनकर तैयार हुई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।